शिमला जिला के रामपुर बुशहर में राजकीय उत्कृष्ट कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि रामपुर के विधायक नंदलाल थे। उन्होंने छात्रों को बताया कि वर्तमान सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने व शिक्षा को जवाबदेही बनाने के लिए कृत संकल्प है। जो भी समस्याएं स्कूल द्वारा बताई गई हैं, उन्हें पूर्ण करने का यथाशीघ्र प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में युवा नशे की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा कि किन किन विकट परिस्थितियों में माँ बाप छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, ताकि छात्र का भविष्य व माँ बाप का आखिरी समय सुखमय गुजरे। लेकिन नशा दुष्परिणाम लेकर आ रहा है। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों का खूब मनोरंजन किया। इससे पूर्व विधायक नंदलाल ने स्कूल की स्मारिका का भी विमोचन किया और विभिन्न सकारात्मक गतिविधियों में अव्वल आने वाले छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। इससे पूर्व स्कूल के प्रधानाचार्य ने वर्ष भर की उपलब्धियों को पटल पर रखा और बताया कि उत्कृष्ट कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामपुर संगीत व खेलों के साथ साथ शिक्षा में भी प्रदेश में अपना अहम स्थान बनाए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, सरकार का काम है, तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे किस तरह से सबसे बड़ी जो समस्या होगी जो बताई गई, यहाँ एक्सटेंशन ग्राउंड का एक्सटेंशन जब हो जाएगा तो आपका जो ग्राउंड है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, पोजिशन होल्डर होते हैं, उनको आज इनाम मिलते हैं उनके पेरेंट्स के सामने, उनके टीचर्स के सामने, तो ये दिन इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और बच्चे अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा कैरियर से आते हैं, खाना वाने खाए अब तो लोगों ने बढ़ते हैं।